नून लीग के रुकने पंजाब असेंबली बिलाल यासीन पर होने वाले हमले की ऐनी शाहिद की कहानी जियो न्यूज की जुबानी। साबिक काउंसलर मियां अकराम का कहना है कि वो और बिलाल यासीन साथ खड़े थे कि दो मोटरसाइकिल सवार आए और बिलाल यासीन पर फायरिंग कर दी। चौथा फायर मिस हुआ और हमलावर भाग गए। कुछ सेकंड्स बाद मुलजमान वापस आए मगर उनका पिस्तौल फिर ना चला। इस दौरान पिस्तौल भी वहीं गिर गया। बिलाल यासीन को जख्मी देखकर हम उनकी तरफ भागे और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। मजीद बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज नवीन अली। जी मैं मोनी रोड के उस इलाके में उस मुकाम पे मौजूद हूँ जहाँ पर जुमे की शाम को मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल यासीन के ऊपर फायरिंग हुई। जो केस के गवाह हैं यहाँ इस इलाके के साबिक काउंसलर मियां इकराम साहब वो मेरे साथ मौजूद हैं। इनके सामने ये सारी सूरत हाल पेश आई। मैं इनसे बात करती हूँ और जानती हूँ कि आखिर ये मामला कैसे हुआ। बिलाल साहब मेरे पास पहुँचे 7:38 पे या 7:40 पे, 7:38 पे यहाँ पहुँचे हैं तो बेल दी है मुझे उन्होंने। मेरे पोते ने कहा जी नीचे दोस्त हैं। मैंने देखा बिलाल साहब आए, मैं नीचे आ गया हूँ। यहाँ पे आके बिलाल साहब मोटरसाइकिल खड़े हो गए हैं जिस लड़के के साथ आए हैं। हम खड़े बातें कर रहे हैं, विद इन 5 मिनट्स में 5 या 4 मिनट्स के बाद ना 4-5 मिनट के बाद वो बंदे आ गए दो मोटरसाइकिल पे 1-5। हम बातें कर रहे हैं, मैंने पता एकदम वो बंदा 6-7 फुट दूर खड़ा हो गया, उतरा है मोटरसाइकिल, उतरते फायरिंग शुरू कर दी। पहला फायर हुआ, दूसरा फायर हुआ तो मैंने पता चला बोल, हम सारे गिर गए नीचे। जब चौथा फायर उसका मिस हुआ तो हम पीछे भागे, उसके फायर उसका जब मिस हो गया पीछे भागे हैं तो वो भी भागा। फिर उसने वहाँ पर जाकर फिर दोबारा पिस्टल मेरी तरफ किया तो उसका पिस्टल मेरा फिर मिस हो गया। मिस हुआ तो वो भाग गया, वह मैं पीछे भागता रहूँ। मुझे दूसरे आज साहब ने कहा साहब बिलाल को गोलियाँ लग गई हैं। हमें तो पता नहीं गोली लगी क्योंकि उसको बिलाल को भी पता चला जब वो गर्म गर्म थी तो भाग के हमने उठाया उसको, उठा के फौरन हमने हॉस्पिटल जाने की किया। हमने 15 को फ़ोन करके भागने की किया, वहाँ पे उसका पिस्टल गिर गया था। वो पिस्टल हमने पुलिस को दे दिया, वो हमारे आई साहब हैं उन्होंने पिस्टल पकड़े। हमने हमें तो पता नहीं चला पिस्टल गिर गया। जीन की पैंटें पहनी हुई थी, फ्लीट पहने हुए थे उन्होंने, ब्रांड 125 था। जैकटें जो ब्लैक कलर की जैकटें थे और लाल कलर की लाइनें थी, सुरख कलर की लाइनें, लाल शर्टें पहनी हुई थी उन्होंने। मुंह पे उन्होंने ब्लैक कलर के मास्क पहने हुए थे, सर पे उन्होंने या पट्टी बांधी या टोपियाँ पहनी हुई थी। मोटरसाइकिल का नंबर कोई नहीं था, विदाउट नंबर था, पीछे कोई नंबर, अगर नंबर था वही हम देख लेते जिस स्पीड से मैं उसके पीछे भागा हूँ ना। मोटरसाइकिल नंबर कोई नहीं था, ब्रांड नहीं मोटरसाइकिल, ना आगे नंबर था ना पीछे नंबर था।